चांद सूरज के जो हों खुद मोहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की, बंद आँखों से ऐसे काम करो कि आँख खुल जाए आँख वालों की, आँख खुल जाए आँख वालों की। जी हाँ, ये शब्द हैं एक महान व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए, और उन्हीं के जीवन पर ये चरितार्थ भी होते हैं, जिनका नाम था पद्मश्री रविंद्र जैन जी। जी हाँ, महान संगीतकार, गीतकार, गायक रविंद्र जैन जी, जिन्हें प्यार से हम दादू कहते थे। दादू के जीवन का ये आज एक सुनहरा दिन है। आज यानी 14 जनवरी 1972 को उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया था। ये दिन सुनहरा है, उनके लिए ऐतिहासिक है, लेकिन इसकी चमक आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इस दिन की कहानी नहीं समझ पाएंगे। आपने कभी कोई आइसबर्ग देखा है? जी हाँ, बर्फ़ का टुकड़ा जो समुद्र में पड़ा रहता है। दरअसल वो बर्फ़ का टुकड़ा नहीं होता, वो बर्फ़ का पहाड़ होता है, जिसको नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ उसकी चोटी को देखते हैं, यानी उसका ऊपर का सिरा देखते हैं। उस पहाड़ की पूरी कहानी वही संघर्ष है एक कलाकार का, और एक कलाकार के संघर्ष की कहानी को लेकर आई हूँ मैं पूनम राज आरजे ग्रुप की ओर से, और इसी संघर्ष की कहानी की हम बात करेंगे ताकि हमें समझ आएगा कि वो दिन सुनहरा क्यों था। उसकी चमक आपको तभी पता लगेगी जब हम जान पाएंगे कि किस संघर्ष से दादू यहाँ तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है रविंद्र जैन्स गोल्डन जर्नी, और आज का हमारा एपिसोड है बर्थ ऑफ अ लेजेंड। अब बात करते हैं अलीगढ़ शहर की। सन था 1944 और तारीख थी 28 फरवरी। वहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। जब 24 घंटे तक बालक ने आंखें नहीं खोली तो पिता इंद्रमणि जी, जो वैद्य थे, उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और ऑपरेशन से उनकी आंखें खोली गई, और तब उन्हें पता लगा कि आंखों में रोशनी लगभग ना के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि एक माता पिता के लिए कितनी निराशा की ये बात रही होगी, क्योंकि वो उस समय नहीं जानते थे कि जो उनके नाम में मणि है वो मणि उनके घर पे आ चुका है। उनकी माता का नाम किरण देवी था, और वो नहीं जानती थी कि उस मणि में पूरी की पूरी किरणें समाहित हैं, ऐसी किरणें जो एक दिन विश्व को प्रकाशित करेंगी, पूरे दुनिया में उनका नाम जगमगाएगा। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर, जहाँ ये नन्ना बालक पैदा हुआ और उनके पिता ने सोचा कि अब आँखों में रोशनी तो है नहीं, क्यों ना इन्हें एक ऐसे प्रोफेशन में डाला जाए जहाँ रोशनी कम से कम यूज़ हो। शायद उन्हें लगा होगा कि संगीत वो विद्या है जिसे वो आराम से सीख सकेंगे, और इसलिए बचपन ही से उन्होंने दादू को संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के बिना कहा जाता है कि ज्ञान अधूरा रहता है, और गुरुओं की ज़रूरत तो दादू को भी पड़ी। तो पहले गुरु उनको मिले श्री घमंडीलाल जी। जी, नाम उनका घमंडीलाल था, लेकिन उनमें घमंड लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने दादू को बंदिशें सिखाई और दादू ने सारी बंदिशें आत्मसात कर ली। दूसरे गुरु उनको मिले पंडित जनार्दन शर्मा जी, जिन्होंने उनको बताया कि सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही है जैसे आपके पास मणियाँ हैं और आप उनकी कीमत नहीं जानते हैं, इसलिए आपको स्वर की साधना करनी पड़ेगी, आपको स्वर को समझना पड़ेगा। और फिर उन्होंने दादू को स्वर की साधना करना सिखाया। दादू ने बताया कि पंडित जनार्दन शर्मा जी ने उनको बहुत मेहनत कराई। उनको वो चने की एक कटोरी दे देते थे और कहते थे कि एक एक सुर को बोलते जाओ और एक एक चना दूसरी कटोरी में रखो, और इस तरह घंटों परिश्रम किया करते थे हमारे दादू। और फिर तीसरे गुरु उनको मिले नाथूराम शर्मा जी। जी हाँ, उनके साथ उन्होंने संगीत प्रभाकर की अपनी शिक्षा को पूरी किया। जिस भी कवि की वो रचनाएं गाते थे ना, उसके साथ दो चार लाइनें अपनी बोल देते थे, यानी जिसे हम आशु कविता कहते हैं ना, वो बचपन से ही उनके अंदर था। दादू की प्रारंभिक शिक्षा तो केवल 5वीं कक्षा तक ही हुई, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिख लिए। तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा इंसान लेकर तो आता है, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं डी के जैन जी, वो लिटरेचर पढ़ा करते थे,
और दादू उनको कहते थे कि अपनी सारी किताबों को आप ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलिए ताकि मैं सुन सकूं। जिस इंसान का पात्र यानी प्याला हमेशा सीधा रहता है, वो जो भी उस प्याले में मिलता है उसको ले लेता है। दादू हमारे ऐसे ही थे। वो जो भी देखते थे जीवन से, किताबों से, उसको आत्मसात कर लेते थे। और इतनी कुशाग्र बुद्धि थी उनकी कि उसको याद कर लेते थे। और ये गुण बचपन से ही उनमें रहा होगा, इसलिए उन्होंने इतनी कम शिक्षा के बावजूद इतनी पढ़ाई करी और सब कुछ सीख लिया। सब कुछ जीवन से वो सीखते गए और इस तरह ये हमारा नन्ना बालक बड़ा होता गया, जैसे आम बच्चे होते हैं लेकिन संगीत को अपने अंदर समो लिया। कहते हैं जिन पंछियों को आकाश में उड़ना होता है वो छोटे छोटे पेड़ पौधों से अपना दिल नहीं लगाया करते। इसी तरह जब दादू बड़े हो रहे थे तो अलीगढ़ तो उनको छोड़ना ही था, क्योंकि उनको बाहर तो जाना ही था, नहीं तो हम तक और पूरे विश्व तक वो कैसे पहुंचते। और ये उनको मौका मिला जब उनके ताऊ जी के बेटे पद्म कुमार जी ने एक बार उनसे कहा कि मेरे साथ कलकत्ता चलोगे। दादू तो बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि रविंद्र संगीत सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं है। तब वो कहाँ जानते थे कि रविंद्र संगीत सीखने आज वो कलकत्ता जा रहे हैं, एक दिन रविंद्र जैन जी का संगीत सीखने के लिए लोग मुंबई आएंगे, कलकत्ता जाएंगे। बहरहाल ये बात थी उस समय की। और दादू मात्र 75 रुपये लेकर कुछ आशाएं, कुछ सपने लिए और पोटली में थोड़ा सा खाना लिए अपने भाई के साथ ट्रेन में बैठ गए। जैसे ही वो कलकत्ता उतरे इतनी सारी भीड़ थी। भीड़ को देखकर दादू को लगा कि जैसे कलकत्ता शहर उनसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ तो तिल रखने की जगह नहीं है। और दादू ने कहा, मुझे तिल से क्या लेना देना, मुझे तो यहाँ अपना दिल रखना है और लोगों के दिलों में वास करना है। और हुआ भी वही, दादू वहाँ बस गए। और दादू की रचनाएं तो आप जानते ही हैं कि कैसी थी। जहाँ भी उन्होंने वो रचनाएं सुनाई वो पॉपुलर होती गई। दादू ने वहाँ पे अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे दादू के स्टूडेंट्स पढ़ने लगे। दादू अपनी रचनाएं गाते बजाते, हम कह सकते हैं कि कलकत्ता प्रवास में कलकत्ता की गली गली में दादू के गीत गूंजने लगे। वहाँ दादू की मुलाकात बहुत सारी गायिकाओं से, बहुत सारे गायकों से भी हुई जिन्होंने उनके गीत गाए। और दादू अब रेडियो स्टेशन तक पहुँच गए थे। रेडियो में भी दादू के गीत बजते थे और दादू जगह जगह मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, उत्सवों में, दुर्गा पूजा में, जहाँ भी मौका मिलता कलकत्ता में गीत गाते थे। लेकिन आप जानते हैं ना कि कहीं भी रहें, अगर भारत में किसी को आगे बढ़ना है, जो आर्टिस्ट है, तो उसका मन होता है सपनों के शहर मुंबई में। इसलिए दादू भी मुंबई आने ही वाले थे, क्योंकि नियति उनको मुंबई लेकर ही आने वाली थी। और ये सपना उनका सच भी हुआ। उनको मुंबई जाने का मौका मिला 1968 में उनके दोस्त राधेश्याम जी के साथ। वो ऐसे ही कैजुअली मुंबई के लिए आ गए। दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी और राधेश्याम जी ने कहा कि चलो मुंबई चलते हैं, और दादू मुंबई आ गए। ये मुंबई का एक छोटा सा उनका प्रयास था और प्रवास था। यहाँ पर वो लोगों से मिले, मुकेश जी से भी मिले और बहुत सारे लोगों से मिले, जिसकी कहानी हम अपने आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। और इस तरह दादू का 15 दिन कैसे पलक झपकते बीत गए वो उन्हें पता भी नहीं चले, और दादू लौट गए वापस कलकत्ता की ओर। लेकिन इस बार कलकत्ता में उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुंबई उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं मुंबई जाऊं, कि यहाँ रहूं, मैं क्या करूं। कुछ आत्मीय जनों ने उन्हें कहा कि यहीं रह जाओ, यहाँ कितना अच्छा सब चल रहा है। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि आपकी रचनाओं का सही मूल्यांकन तो मुंबई ही करेगी। और दादू को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब मुझे यहाँ से मुंबई की ओर जाना चाहिए। और फिर ये मौका मिला राधेश्याम जी के साथ और शंकर जी को साथ में लेकर एम्बेसडर कार में दादू चल पड़े मुंबई की ओर। और 19 सितंबर को वो पहुंच गए मुंबई। हरी भाई जरीवाला यानी कि महान एक्टर संजीव कुमार जी, जो कलकत्ता के समय से ही दादू के दोस्त थे, एक बार उन्होंने उनको देवलाली बुलाया। जी हाँ, नासिक के पास एक जगह है जहां पारस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने दादू को कहा कि आप यहां आ जाइए। वो सिप्पी साहब से दादू को मिलाना चाहते थे। दादू भी पहुँच गए वहाँ पर अपने तबला वादक नाटू गोस्वामी जी के साथ और राधेश्याम जी के साथ। और वहाँ पर शूटिंग चलते चलते पूरा दिन बीत गया। आखिर शाम हुई और दादू को अपने गीत सुनाने का मौका मिला। सुनने वालों में थे फरीदा जलाल जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, संजीव कुमार जी, और चुनने वालों में थे शायद नारी सिप्पी साहब। और इस तरह दादू ने अपनी एक एक रचनाएँ सुनानी शुरू की। जैसा मैंने कहा कि दादू तो महासागर थे,
उनके पास तो माणिक मोती भरे हुए थे और जब भी मौका मिलता था वो अपने महासागर में एक छलांग लगाकर नया सा नया मोती लेकर आते थे और जहाँ भी वो अपनी रचनाएँ सुनाते थे लोग झूम उठते थे। और उस दिन भी वही हुआ, NNCP साहब को उनकी रचनाएँ बहुत अच्छी लगी। अभी तक संगीतकार का चयन नहीं हुआ था, जो होना था और दादू को चुन लिया गया। अब सिप्पी साहब ने कहा कि आपको अपना पहला गीत रिकॉर्ड करना है और पहले गीत की रिकॉर्डिंग तय हुई। आप समझ सकते हैं कि किसके साथ? जी हाँ, भूत भविष्य वर्तमान के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। दादू तो बहुत खुश हो गए कि अब गीत रफ़ी साहब से गवाना है और इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए दादू चल पड़े बैंड्रा की ओर। बैंड्रा में जीनत महल बंगलों में रफ़ी साहब रहा करते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जहाँ से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बैंड्रा में बैठे हैं और रफ़ी साहब के बंगलों के बहुत नज़दीक दादू का ये घर है। शायद उस समय दादू ये नहीं जानते थे कि इतने नज़दीक होकर वो पड़ोसी होकर रफ़ी साहब के रहेंगे। और हुआ यूँ कि दादू गए रफ़ी साहब के बंगलों पर और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना गीत सुनाया। माना कि तेरे होठ मेरा जाम नहीं है, माना कि तेरे होठ मेरा जाम नहीं है, तू मेरे लिए प्यार का पैगाम नहीं है, दिल फिर भी तेरी चाह में जलता ही रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा, माना कि तेरे होठ मेरा जाम नहीं है। और ये सुनकर रफ़ी साहब ने कहा कि अरे वाह, बंगाली होकर आप इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। तब दादू ने कहा, जी ज़रा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मैं मूल निवासी तो अलीगढ़ का हूँ इसीलिए। रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा तो ये बात है। और इस तरह रफ़ी साहब से उनकी मुलाकात पूरी हुई। फिर आ गया वो ऐतिहासिक दिन जिसके लिए दादू बेकरार थे और हम उनसे ज़्यादा बेकरार, और वो दिन था 14 जनवरी 1972। जब ये तय हुआ कि दादू का पहला गीत रिकॉर्ड होगा और रफ़ी साहब पहुंच गए स्टूडियो, स्टूडियो का नाम था फिल्म सेंटर और रिकॉर्डिस्ट थे कौशिक साहब और म्यूज़िक अरेंजर थे मनोहारी सिंह दादा। और इस तरह दादू ने अपना पहला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ये दिन दादू के जीवन में सुनहरा दिन था और उस दिन हिंदी सिनेमा को मिल गए महान संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन जी और दादू को मिल गया अपना लक्ष्य। उनका वो जो दरवाज़ा था सुनहरे कल की ओर, भविष्य की ओर, वो उस दिन खुल गया। हालांकि ये गीत रिलीज़ नहीं हो पाया और दादू को जो शोहरत मिली, नाम मिली, वो दूसरे गीतों से मिला। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले एपिसोड्स में उनके जीवन के हर पहलू को आप तक ला सकें। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन पर दादू का भी ऐतिहासिक दिन बना। आप जानते हैं कि हर एक के जीवन में ऐसा पल आता है जिसे हम कहते हैं कि ये ऐतिहासिक दिन है, सुनहरा पल है या टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आपके जीवन में भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसा दिन या ऐसा पल आया होगा जिसे आप कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है। अगर है तो आप हमसे शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना किस्सा लिखिए। जिसका किस्सा हमें सबसे दिलचस्प लगेगा, हमारी टीम उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ साथ उनका नाम भी हम अपने अगले एपिसोड में अनाउंस करेंगे। तो आज के लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही। मैं हूँ पूनम राज, अगले एपिसोड तक आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। तब तक ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। नमस्कार, जय हिंद।